नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगीठी में आपका स्वागत है। आज मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी, ब्रेड का कुल्फ़ी बनाऊंगी। ये मैंने 3 ब्रेड लिया हुआ है और इसका किनारा काट लिया है। और आधा लीटर दूध है, 500 ग्राम, 4 टेबल स्पून चीनी है, 8-10 बादाम हैं और 8-10 पिस्ता है। इसको हमें क्रश करना है। और केसर है, जिसे हम सेफ्रॉन भी कहते हैं। और मैंने 3 ये बिस्किट लिया है, ये पार्ले जी बिस्किट है। ये डालने से बहुत अच्छा कुल्फी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं ये ब्रेड को ग्राइंडर में पीसूंगी और दूध को हल्का हमें बॉयल करना है। बॉयल करके फिर सब मिलाना है इसमें और इसको मैं कूट लूंगी। तो सबसे पहले मैं दूध को बॉयल करने के लिए रखती हूँ। पहले ये देखिए, मैंने ब्रेड को पीस लिया है, देखिए ग्राइंडर में डाल के, और दूध भी उबल रहा है। अब मैं इसमें दूध में ब्रेड डाल रही हूँ। देखिए ब्रेड मैंने उसमें डाल दिया है, दूध में। अब मैं पिस्ता डाल रही हूँ। पिस्ते को मैंने छोटे पीसेस में कर लिए हैं, क्रश कर लिया है। देखिए अब बादाम और पिस्ता मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। चीनी मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा ये देखिए 1 पिंच मैं थोड़ा सा इसमें सेफ्रॉन डाल रही हूँ, केसर। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। यह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और मैं इसमें चीनी डाल के थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि चीनी गल जाए। और गैस अब हमें बंद कर देना है, चीनी गलने के बाद। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, एकदम जमाने के कंसिस्टेंसी में हो गया है कुल्फी। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। और अब मैं गैस को बंद करती हूँ, इसको ज़्यादा। ये देखिए दूध को अब मैंने जो उतार के रखा है, 10 से 15 मिनट हो गया गैस से उतारे हुए। और ये अच्छा सा अब ठंडा हो गया, जमाने के कंसिस्टेंसी में हो गया है। देखिए आराम से मैं इसे पकड़ सकती हूँ, ठंडा हो गया है। और मैंने ये कुल्फी जमाने वाला मोल्ड ले लिया है, इसमें जमाऊंगी। मैंने 3 जो बिस्किट लिए थे उसको क्रश करके ले लिया है। सबसे पहले मैं बिस्किट को मोल्ड में डालूंगी, सभी में थोड़ा थोड़ा करके। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये बिस्किट डालने से। इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। के सब में मैंने बिस्किट डाल दिया, मैं दूध डाल रही हूँ। बहुत अच्छा कुल्फी बनता है, आप ज़रूर इसे बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज ये देखिए मैंने सारे मोल्ड में भर दिया है, और आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, आप बहुत अच्छा कुल्फी बनाएंगे, बहुत अच्छा बनता है ये। बिल्कुल इसमें कोई मेहनत नहीं है, ना ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। देखिए अब ऊपर से मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और इसे हमें डीप फ्रीज में रखना है, 8 घंटे के लिए रखना। 8 घंटे से पहले हमें इसको बाहर नहीं निकालना है, ना इसे छेड़ना है, नहीं तो इसमें बर्फ आ जाएंगे अगर आप इसको बार बार खोलोगे तो, इसमें क्रिस्टल जम जाएंगे। इसलिए इसे बिल्कुल खोलना नहीं है 8 घंटे से पहले। 8 घंटे के बाद इसे आप डीप फ्रीज से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए मोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने प्लास्टिक के कप में इसको जमा दिया है। आप अगर आपके पास मोल्ड नहीं तो आप ऐसे कप में भी जमा सकते हैं, कप में ज़्यादा आसान है जमाना। ये देखिए मेरे ब्रेड कुल्फी जम गई है, मैं इसको 8 घंटे के बाद फिर से निकाला हुआ है। मैं इसको 2 मिनट पहले निकाल दिया है। ये देखिए अच्छे से निकल रही है, कितनी अच्छी कुल्फी जमी हुई है देखिए। और कुल्फी बनाना बहुत ही आसान है, इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकाने में, बनाने में। देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी और थोड़ा मैं फलूदे के साथ भी सर्व करूँगी इसे। तो मैं
फलूदा के साथ इसे इसको सर्व कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बर्फ डालूंगी एक गिलास में। अब मैं इसमें शुगर सिरप डाल रही हूँ, ये घर का बना हुआ है शुगर सिरप। ये देखिए मैंने कुल्फी काट के डाल दिया है ग्लास में। और अब मैं इसमें फलूदा डाल रही हूँ। फलूदा के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये घर का बना हुआ फलूदा है, मैंने घर में बनाया फलूदा। और मैं अब इसमें थोड़ा सा रबड़ी डालूँगी, देखिए मैं इसमें रबड़ी डाल रही हूँ। देखिए मैं इसमें रोज़ सिरप डाल रही हूँ, ये भी घर का बना हुआ है। और ये देखिए मेरी कुल्फी तैयार हो गई है, कुल्फी ब्रेड कुल्फी। और ये फलूदा के साथ भी सर्व किया है मैंने। इसमें सब्जा का बीज नहीं डाला क्योंकि मुझे सब्जा का बीज पसंद नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने इसमें सब्जा का बीज नहीं डाला है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।